हॉल का जिप्सम करीब करीब लग चुका है, तो जो बची कुछ पाइपलाइन थी लाइटिंग की, एसी की, सब इसी के अंदर घुस गई है। ये जो कट बना हुआ है यहाँ पर, हमारा जो एसी है, कैसेट एसी, उसका ब्लोअर पार्ट आएगा। इसकी यूनिट इधर बाहर जा रही है, इसकी भी वायरिंग चारों की अलग अलग जा रही है। चार MCB यहीं लग जाएगी। ये तार गया है केबल, और यहाँ से ये इधर से होकर फॉल सीलिंग के अंदर से एसी डक्ट के साथ पीछे उधर निकल गया। और ये जो है इधर बाहर की साइड में, यानी कि साउथ साइड में, वो सामने निकला है। इधर ये इन्होंने बड़े ही रफ अंदाज में दीवार पे ही काजू क्लिप मार के ठोंक दिया है। पहले देख के मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर ध्यान आया कि ये सारा जो है एसी का डक्टिंग भी यहीं से होकर आएगा, और यहीं पे सारे कैसेट एसी का कंप्रेसर 1, 2, 3, 4 करके लग जाएंगे। ओके, आज प्लम्बर पता नहीं क्यों गायब, बोला लाइन बिछा के पूरा काम कंप्लीट कर देते, एक एक दिन करके गायब हो जाते हैं सब। इधर आज अच्छा है कि वाइट सीमेंट वाले आए हैं, तो इधर पूरा वाइट सीमेंट लग गया है कंप्लीट। एक कोट, सेकंड कोट करेंगे उसके बाद। झूला लगा हुआ है इनका, आज का तो काम ख़त्म हो गया है, शाम हो गई। यहाँ पे लगा हुआ पूरा कल करेंगे, यहाँ तक हो गया है पूरा वाइट सीमेंट। ये हॉल का दरवाज़ा है लेफ्ट वाला, और ये ऑफिस एरिया या कैफेटेरिया का दरवाज़ा है। ये PVC वाले आए थे, इस साइड में तो पूरा कांच लगवा दूंगा, सिंगल पीस फिक्स। इधर कोई प्रेशर पड़ना नहीं है, इधर रहेगा खुलने वाला कांच। देव दीपावली में बनारस के सारे होटल फुल हैं अच्छा खासा रेट पर, लेकिन ये तो रेडी ही नहीं है, तो इसका कुछ बेनिफिट हम ले नहीं पाएंगे। ओके, रिसेप्शन में जाने का जुगाड़ कर लिया है लोगों ने, जिप्सम शीट्स आई हैं आज कुछ, और चलिए और कुछ खास नहीं हो रहा है। ऊपर बाथरूम का प्लास्टर चल रहा है, टाइल्स वाले अभी भी गायब हैं, और हमारे साइट इंजीनियर अब लग रहा है दूसरे प्रोजेक्ट पे बिजी हो गए हैं, तो क्या कहें अब।